तो वहीं एमपी में चीतों को आगमन से पहले वन मंत्री विजय शाह ने कहा है कि पीएम मोदी का जन्मदिन एमपी में ऐतिहासिक होगा और हमारी सभी तैयारियां पूरी हैं। उन्होंने कहा अफ्रीका से आने वालों चीतों को पहले एक महीने के लिए क्वारंटीन किया जाएगा और इसके लिए अलग से बाड़ा तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश में चीतों को लाने की तैयारियां पूरी तरीके से तेज हो चुकी हैं। आज से दो दिन बाद जो है चीते जो है कूनो में आएंगे। वन मंत्री विजय शाह हमारे साथ मौजूद है। सर, चीतों को लाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लगातार तैयारी हो रही है, आज से दो दिन बाद चीते मध्य प्रदेश में आ चुके होंगे। प्रधानमंत्री का जन्मदिन मध्य प्रदेश के इतिहास में एक ऐतिहासिक होने जा रहा है। वन विभाग की सारी तैयारियाँ पूरी है। मेरे मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के वन पर्यावरण मंत्री लगातार दो दिन तक वहाँ थे। अफ्रीकी गवर्नमेंट के मापदंड, भारत सरकार के मापदंड के मुताबिक हमने सारी तैयारी करी, निरीक्षण किया। आज मैं स्वयं वहाँ जा रहा हूँ और ऐतिहासिक स्वागत, ऐतिहासिक काम और ऐतिहासिक गिफ्ट प्रधानमंत्री जन्मदिन पर मिलने जा रहा है। सर, क्या कुछ खास तैयारी करेंगे, क्योंकि क्वारंटीन के लिए भी अलग बाड़े बनाए गए हैं, प्रधानमंत्री वहाँ खुद पहुँचेंगे और चीतों को रिलीज करने वाले। जानवरों का क्वारंटाइन एक महीना होता है। जो विदेश से आते हैं उनको एक महीना हम क्वारंटाइन में रखेंगे। एक महीना क्वारंटाइन में रखने के बाद हम फिर उनको 12-12 किलोमीटर दूर, उनको बाड़े कहना ठीक नहीं है, उनको बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल को हमने बाड़े का स्वरूप दिया है, जहाँ दूसरे जंगली जानवर भी होंगे और वो शिकार हमारे जानवरों का करना सीखेंगे, उसको खाना सीखेंगे। क्योंकि हो सकता है वहाँ के जानवर का टेस्ट अलग हो, यहाँ के जानवर का टेस्ट अलग हो, लेकिन लगभग वातावरण जो है वो 22 से 40 डिग्री टेम्परेचर अफ्रीका में भी होता है, 22 से 40 डिग्री टेम्परेचर हमारे पालपुर कूनो में भी है। हम उसके बाद दो महीने बाद जब उनका यहाँ के साथ वातावरण और जानवरों के साथ अच्छा मैच हो जाएगा, फिर हम उनको पूरे जंगलों में छोड़ेंगे। मौजूद थे जिनका कहना था कि चीतों के आने की पूरी तैयारियां यहां पर मध्य प्रदेश में हो चुकी हैं और अब से कुछ ही घंटों बाद जो है चीते मध्य प्रदेश में होंगे और प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी इस चीते प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। कैमरन खेमचंद के साथ अमृतांशी जोशी, न्यूज 24 भोपाल।